प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस युवा कांग्रेस इस वर्ष अलग और आक्रामक रूप से मनाने जा रही है। इस दिन युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाएगी और युवाओं के लिए रोजगार की मांग को हर विधानसभा क्षेत्र में जोरों शोरों से उठाएगी। सोई हुई और वादे से मुकर चुकी सरकार की विफलता को इस दिन प्रदेश की हर विधानसभा और जिला मुख्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन कर जनता के सामने लाया जाएगा। इसके अलावा बैनर्स, सोशल मीडिया और प्रेस वार्ता के द्वारा भी इस दिन युवाओं की रोजगार की मांग को जोर से उठाया जाएगा। इसके लिए जिला और विधानसभा लेवल पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। निगम भंडारी ने बताया कि 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने के झूठे वादे से नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं का चुनाव में अपार सहयोग अर्जित किया, लेकिन नौकरी देना तो दूर पर जो नौकरियां भी थी वो भी नोटबंदी, अनियोजित लॉकडाउन और अनेकों गलत नीतियों और निर्णयों ने छीन ली, और जो बची हैं उनका भी डर बना हुआ है कि वे कब छीन जाए। जब देश 2013 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पे था तो मोदी जी ने तरह तरह के सतरंगी वादे देश के जनता के साथ किए थे, देश के युवाओं के साथ किए थे, जिसमें सबसे बड़ा वादा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगी। 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना तो दूर की बात, करोड़ों रोज़गार युवाओं के से छीन लिए गए हैं, और जिसके चलते इस वर्ष 13,000 से भी ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या की है। हर 3 घंटे में 4 से 5 युवा खुदकुशी कर रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ गई है। एक तरफ कोरोना महामारी के आर्थिक बोझ जो एक युवाओं पर पड़ा है, जिसके चलते लगातार युवाओं को खुदकुशी करनी पड़ रही है, गलत रास्तों में जाना पड़ रहा है। कई सारे युवा, प्रदेश के युवा आप देखेंगे, बेरोज़गारी के चलते नशों की हालत में पड़ गए हैं। कईयों को गलत कारनामे करने पड़ रहे हैं। इनके चलते युवा कांग्रेस प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिवस है उसको युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में युवा कांग्रेस को मना रही है। और शिमला के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि राजीव भवन से ये रैली निकलेगी, यहाँ से रोज रैली राजीव भवन से निकलेगी, और अलग अलग युवा कांग्रेस के साथियों के साथ साथ कई ऐसे युवा हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उसमें PhD होल्डर्स भी हैं, MSc भी हैं, MCom भी हैं, काफ़ी शिक्षित युवा इस बेरोज़गार जो रैली जो निकालेंगे इसमें शिक्षित युवा भी इसमें भाग लेंगे, और यहाँ से DC ऑफिस के पास इसका हम समापन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।